हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज तो मैं अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर करने ही वाली हूँ, लेकिन आज मैं खास तौर पे एक चीज़ शेयर कर रही हूँ कि मुझे गिफ्ट आया है मेरी फ्रेंड की तरफ से। वो फ्रेंड ऐसी है कि मुझे बहुत दिन से यूट्यूब में देख रही थी कि मेरी जो कढ़ाई थी, जो बर्तन था, वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ गिफ्ट दूँ, लेकिन ऐसा गिफ्ट दूँ जो उनके काम आए। और उनको एक हमेशा फीलिंग रहती थी कि आपा मुझे हमेशा बहुत कुछ देते रहते हैं, लेकिन मैं आपा को कुछ दे नहीं पाती हूँ। और वो ये चाहती थी कि मैं ऐसी चीज़ दूँ जो बहुत उनके यूज़ में आए और हमेशा मेरी चीज़ को यूज़ करते रहे और मुझे याद करते रहे। तो उन्होंने मेरी बेटी से कॉन्टेक्ट किया माहिर रमज़ान में, और उन्होंने कहा कि मम्मी को मुझे कुछ अच्छा गिफ्ट देना है, अब तुम ही सजेस्ट करो कि मैं क्या गिफ्ट दूँ। और ये दोनों, मेरी बेटी और मेरी फ्रेंड, जो है आपस में सब डिस्कशन कर रहे थे, और सारी चीज़ मेरी बेटी को मालूम थी, लेकिन मुझे उसने कुछ भी नहीं बताया। अगर मुझे मालूम होता तो वाकई में मैं ये गिफ्ट के लिए इनकार करती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए था मेरे हिसाब से, कि मैंने इतना ज़्यादा कुछ उनको कभी नहीं दी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दे दिया। तो उन्होंने मुझे भेजा है वंडर शेफ का 3 कुकवेयर, जिसमें एक कढ़ाई है, एक फ्राई पैन है और एक है डोसा तवा। तो ये मुझे तो बहुत पसंद आया। पहले तो मैं मेरी बेटी को भी बहुत चिल्लाई कि तुमने हाँ कैसे कह दिया, तो बोले मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या बोलना चाहिए था। आंटी ने बोला कि मुझे मम्मी को कुछ देना है, तो मैंने कहा कि आप ये नॉनस्टिक दे दो। तो अब क्या करें, आ गया है तो एक्सेप्ट कर भी लिया है और गिफ्ट को इनकार भी नहीं कर सके। और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा आया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे इसका शौक था और मैं बहुत दिनों से सोच भी रही थी कि ये मैं लूँगी और अपना YouTube चैनल में मेरे बर्तन थोड़े चेंज करूँगी, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। कुछ ना कुछ वजह से ये मैं मार्केट जा भी नहीं पा रही थी और ऑर्डर भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे कुछ अलग हटके चाहिए था। और वाकई में मुझे कुछ अलग हटके ही उन्होंने दिया है, जो मुझे बहुत पसंद आया और बहुत मैं खुश हो गई। तो थैंक यू वेरी मच टू माई डियर फ्रेंड, और अल्लाह इसका अजर उनको बेहतरीन अता करेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे ज़रूरत का ख्याल रखा। ये बहुत बड़ी बात है कि एक फ्रेंड अपनी फ्रेंड के ज़रूरत का ख्याल रखता है और उसको वो चीज़ देता है जो अपनी फ्रेंड को पसंद है। मतलब ज़्यादातर कभी कभी कैसा होता है ना कि कुछ लोग गिफ्ट में ऐसी चीज़ दे देते हैं या घर में पड़ी होती है या उनको पसंद नहीं होती है। तो लेकिन यहाँ पर उन्होंने वो चीज़ दी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और उनको वो चीज़ देना था जो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, जिससे मेरा भी दिल खुश हो गया। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड, अल्लाह इसका बेहतरीन अजर अता करेगा और जजाए खैर देगा। ये सारे कुकवेयर इंशाल्लाह आप देखते रहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लहसुन मिर्ची का अचार। तो हमने लिया है 350 ग्राम लाइट हरी मिर्ची, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती है और अभी सीज़न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मिर्ची आ रही है। और लहसुन भी जो है सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और बहुत अच्छे लहसुन भी आ रहे हैं। और इसको हमने लंबे लंबे स्लाइस कर लिए हैं, थोड़े बड़े साइज़ के लहसुन हमको मिल गए थे तो लंबे लंबे हमने इसको स्लाइस कर लिए हैं। हरी मिर्ची हमने बहुत बारीक सी काट ली है, और 4 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दिया है अमचूर पाउडर, 1 टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक, और ये है पीली कलर की राई। राई हरी कलर की भी आती है और पीली कलर की भी आती है, तो हमने अच्छी पीली राई ली है, उसको दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है, और उसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून। और हमने लिया है राई का तेल। अगर आपको राई का तेल पसंद नहीं है तो आप सादा तेल भी ले सकते हैं, लेकिन राई के तेल से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बस इसको कच्चा ही डाल देना है, जिससे इसकी खुशबू बहुत उभर के आएगी। और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स, और 1 टीस्पून हमने इसमें हींग भी ऐड किया है, और अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। अगर आपको ज़्यादा दिन रखना है तो तेल आप बॉटल के ऊपर तक रखिए, और अगर ज़्यादा दिन नहीं यूज़ करना है तो आप तेल कम से कम डालेंगे तो भी चलता है। तो बेहतरीन टेस्टी लहसुन मिर्ची का अचार बनके बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बना है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा कि आपका लहसुन मिर्ची का अचार कैसा बना। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।